सीधा सवाल, क्या आमिर खान ने वाकई शिवलिंग का अपमान किया था? क्या आमिर खान ने वाकई कहा था कि शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ, उससे दूध की बर्बादी होती है? दोस्तों, हो क्या रहा है कि उनकी फिल्म आने वाली है लाल सिंह चड्ढा अगस्त में, और उस फिल्म के आने से पहले अभी से उसके बॉयकॉट का ऐलान किया जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पर यह प्रोपेगेंडा पहुंच रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आमिर खान ने शिवलिंग का अपमान किया, यह कहते हुए कि उसमें किसी भी सूरत में दूध डालने की जरूरत नहीं है। और इन बयानों का हवाला देकर कहा जा रहा है कि आमिर ने शिवलिंग का अपमान किया। मगर क्या यह वाकई सच है? और अगर शिवलिंग का अपमान हुआ है तो यह अपमान किसने किया है? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2012, अक्षय कुमार की एक फिल्म आने वाली थी, ओ माय गॉड, या रिलीज हो चुकी थी। और तब उन्होंने पत्रकारों के सामने यह बयान दिया था। ध्यान से सुनिए, इस बयान के अंदर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिवलिंग पर इतना दूध बहाने की क्या जरूरत है, हनुमान की मूर्ति पर इतना तेल लगाने की क्या जरूरत है, यह दूध किसी गरीब को दिया जा सकता है। खूबसूरत विचार है, मगर सुनिए साहब। जैसे कि शिवजी पे हम चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और वो सारा का सारा दूध कहाँ जाता है? करीबन 7,800 लीटर दूध गटर में चला जाता है। अगर वही दूध हम कितने लोगों को पिला सकते हैं, इट मेक्स अ लॉट डिफरेंस। दूध भी जा रहा है, फिर हम तेल चढ़ाते हैं, तेल जा रहा है, कहाँ जाता है तेल? Have you ever realized after you put it on the idol, where does it go? Just goes down straight in the gutter. So I am just trying to say ki why put it there when you can put it in somebody's stomach. To saaf taur par अक्षय कुमार ने यह बात कही और किसी और ने नहीं। दोस्तों, इस पर फैक्ट चेक भी हुआ था आपके स्क्रीन्स पर, और यह पता चला कि आमिर खान ने के बारे में जो बयान बार बार बताया जा रहा है कि आमिर खान ने दरअसल शिवलिंग का अपमान किया था, वो सरासर गलत साबित हुआ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 के बाद अक्षय कुमार भारतीय जनता पार्टी के बहुत चहेते हो गए, मगर 2014 से पहले वो तो ये बयान भी दिया करते थे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की क्या जरूरत है, तो फिर आमिर को क्यों बदनाम किया जा रहा है, बताइए। मैं खुद शिव भक्त हूं दोस्तों, मैं शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाता। ये देखिए, मैं महाकाल गया था और जब भी जाता हूं तो इस तरह से गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश करता हूं और वहां पर शिव के सामने ऐसे शीश झुकाता हूं। कहने का तात्पर्य और कहने का अर्थ यहां पर यह है दोस्तों कि शिव के प्रति मेरी भी आस्था, मगर मेरे दोहरे मापदंड नहीं है कि 2014 से पहले मैं कुछ और कह रहा था और 2014 के बाद कुछ और। अब देखिए, अक्षय कुमार यहां पर जय श्री राम कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी श्री राम नवमी, आज हर घर अयोध्या हो और हर मन में श्री राम। कितने प्यारे विचार हैं। मगर एक जमाना वो था जब अक्षय कुमार ये कहा करते थे कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में हम अस्पताल चले जाएं और अस्पताल में लोगों की मदद कर दें तो बेहतर है, क्योंकि मंदिर जाकर 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता है, या वैष्णो देवी जाकर 4-5 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अक्षय कुमार के शब्द हैं। कल्पना कीजिए यही बात किसी और ने कही होती। सुनिए अक्षय क्या कह रहे हैं। द मीनिंग ऑफ मंदिर इज मन अंदर, गॉड इज विद इन आवरसेल्व्स, वी डोंट नीड टू गो समवेयर टू आस्क वेयर ही इज एंड आस्क हिम। आई यूज्ड टू गो टू वैष्णो देवी एवरी 6 मंथ्स, एंड टू मी टू गो टू वैष्णो देवी आई यूज्ड टू स्पेंड अबाउट 2 lakhs, 3 lakh rupees, because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना। एंड देन वन डे आई थॉट दैट दिस 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, एंड आई गॉट वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर। तो एक वो जमाना था जब अक्षय ये भी कहते थे कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। एक वो जमाना था जब अक्षय ये भी कहते थे कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मगर प्रचार तंत्र किसको बदनाम कर रहा है, झूठ का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है, आमिर खान के खिलाफ। किन की फिल्मों को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, आमिर खान
और शाहरुख खान, जबकि बयान कौन दे रहा था? अक्षय कुमार। वो अक्षय कुमार जिनकी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान रिलीज हुई है, वो पृथ्वीराज चौहान फिल्म जो इतिहास की धज्जियां उड़ा रहा है, वो अक्षय कुमार जो इंटरव्यूज में अनाप शनाप बातें कह रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कि उनके बारे में हमारी किताबों में पढ़ाया ही नहीं गया, जबकि आपको इसी मंच पर मैंने बतलाया था कि पूरा एक चैप्टर, पूरा एक अध्याय है सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर। देखिए एनसीईआरटी की किताब है अंग्रेजी की, और हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, मगर फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपको सवाल ये पूछना पड़ेगा। ये देखिए, अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है राम सेतु। राम सेतु यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो सेतु, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम वानरों और गिलहरियों ने जो सेतु बनाया था, उस पर यह फिल्म आ रही है राम सेतु। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज जब अक्षय कुमार जय श्री राम का नारा लगाते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया, या फिर भगवान राम के गुण गाते हैं, तो कहीं इसका ताल्लुक इस बात से तो नहीं है कि उनकी फिल्म आने वाली है जिसका नाम है राम सेतु, और कहीं ना कहीं यह सब उसी का प्रचार है? सुनिए अक्षय कुमार ने भगवान राम के बारे में कितने उच्च विचार दिए थे। अब मैं सोचने को मजबूर हूं, ये जो तमाम बातें अक्षय कुमार ने कही, क्या इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाली फिल्म का प्रचार था? सुनिए उन्होंने क्या कहा था भगवान राम के बारे में। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने, और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। अब आप खुद से सवाल पूछिए, क्या वाकई ये लोग राम भक्त हैं? हिंदू धर्म में इनकी आस्था है? क्योंकि ये लोग तो मंदिर में भी विश्वास नहीं करते थे, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने में भी विश्वास नहीं करते थे। और आप बदनाम किसको कर रहे हैं? आमिर खान को। क्यों? क्योंकि आमिर खान मुसलमान है। यह बात अलग है कि 2014-15 से पहले जब आमिर खान या शाहरुख खान या सलमान खान के प्रति हम अपनी मोहब्बत जतलाते थे तो हम उन्हें मुसलमान के तौर पर नहीं सोचते थे। यह आपको खुद पर विचार करना है कि झूठ के सहारे आपके दिमाग को किस कदर कुंद कर दिया गया है। अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान को प्रमोट करने के चक्कर में यह कह रहे हैं कि वो आखिरी हिंदू सम्राट थे, यानी कुछ भी अक्षय। अक्की बाबू आप भूल गए महाराणा प्रताप कौन थे? क्या आप भूल गए कि शिवाजी कौन थे? और ये वो दोनों महाराजा थे जिनके हिंदू धर्म के प्रति आस्था थी। तानाजी कौन थे? ये तमाम हीरोज को आप भूल गए क्या? मैं आपको ढेरों दास्तानें गिना सकता हूं। मैं सिर्फ आपको यह बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसका मकसद यह है कि एक फिल्म का प्रमोशन करना और एक फिल्म के प्रमोशन के लिए अनाप शनाप झूठ बोलना है। और कितनी बड़ी त्रासदी कि आज की तारीख में अक्षय कुमार भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू बन गए, और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रमाण एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। उनकी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए कौन आया था? अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह। क्या कह रहे हैं? अ वेरी इमोशनल एंड प्राउड इवनिंग फॉर मी, हैड द रेयर ऑनर ऑफ हैविंग ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह वॉच सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उनकी हमारी फिल्म के लिए प्रशंसा ने हमारी मेहनत सफल कर दी। आगे देखिए साहब, योगी आदित्यनाथ क्या बयान दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में सम्राट पृथ्वीराज चौहान टैक्स फ्री होगी। जवाब में, इस प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी। अक्षय कुमार भारत के हीरो हैं, भारत के अभिनेता हैं, बीजेपी के अभिनेता नहीं है। आगे देखिए साहब, शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित श्री अक्षय कुमार की अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में हमने टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, जिससे महान सम्राट के जीवन को अधिक से अधिक युवा देखें। इसके जवाब में अक्षय कुमार क्या कह रहे हैं? शिवराज जी, आपका यह निर्णय भारत के एक महान योद्धा की अद्भुत कहानी और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। सम्राट पृथ्वीराज की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी भी ऐलान कर रहे हैं कि टैक्स फ्री हो रही है। कहां कहां टैक्स फ्री हो रही है? बीजेपी के राज्यों में टैक्स फ्री हो रही है।
और अक्षय कुमार बन गए हैं बीजेपी के अभिनेता, बीजेपी के स्टार। आगे देखिए क्या कहा इन्होंने। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के लिए आपके समर्थन और इतने अच्छे शब्दों के लिए पुष्कर धामी जी का धन्यवाद। फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, आज अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने जाऊंगा। इस पर भी नरोत्तम जी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसका जवाब दे रहे हैं अक्षय कुमार आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद है आपको फिल्म पसंद आएगी। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, एक सितारा जिसे पूरे भारत का होना चाहिए था वो एक पार्टी का बनकर रह गया है। अब आपको समझ आया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करना होता है तो अक्षय कुमार को क्यों याद किया जाता है और अक्षय कुमार फिर ये सवाल क्यों पूछते हैं कि आम आप काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। इस कार्यक्रम को करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मैं अक्षय कुमार की बेइज्जती करूं या आमिर खान को बढ़ाऊं, नहीं। ये सब फिल्म स्टार्स हैं, इनका मकसद है अपनी फिल्में चलवाना, मगर आपको अपनी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देना है, आपको अपनी मति भ्रष्ट नहीं होने देना है, आपको सोच समझ कर सोचना है। भक्त मत बनिए, नागरिक बनिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप अक्षय कुमार को इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के पसंदीदा हैं या बीजेपी के पिछलग्गू बनकर रह गए हैं, आप कीजिए पसंद, कोई मना नहीं कर रहा है, मगर उस झूठ का शिकार मत बनिए जिसके सहारे बाकी फिल्म स्टार्स को निशाना बनाया जाता है। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक पूरा प्रचार तंत्र जो है वो आमिर खान के पीछे पड़ा हुआ है, शाहरुख खान के पीछे पड़ा हुआ है। शाहरुख के पीछे तो इस कदर पड़े हैं कि उन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन पर भी निशाना साधा और फिर तमाम आरोप झूठे साबित हुए। आज मैं चाहूंगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कहिए कि आप में से कई लोग कह रहे थे कि आमिर ने शिवलिंग का अपमान किया, आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब आप क्या कहेंगे बताइए, क्या अब आप अक्षय कुमार के खिलाफ भी प्रचार करेंगे? आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों में से कई लोग अब नागरिक नहीं रहे, आप अपने अंदर की इंसानियत को खत्म कर रहे हैं। आपके अंदर की जो सोच है, आपके अंदर की जो रीढ़ है, उसे आप टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। सोचने और समझने की क्षमता को मत खोइए। एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने वोट हासिल करेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। बर्बाद आप हो रहे हैं, सोच आपकी जहरीली हो रही है और किसी की नहीं। आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस कार्यक्रम में कमेंट सेक्शन में आप लोगों में से कई लोग गाली देंगे, आपके सामने प्रूफ रखने के बावजूद आप फिर भी नहीं मानेंगे। मगर चलिए आज नहीं, 5 साल बाद आपको यह अंदाजा होगा, आपको यह आभास होगा कि इस अंधभक्ति के चलते न सिर्फ आपने खुद को बर्बाद कर दिया बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर दिया है। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।